हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जर्नी चल रहा है, ये उसका थर्ड एपिसोड है। ठीक है, आज शुरू करेंगे हम एक शानदार जर्नी किसके साथ? टॉटोमेरिज्म के साथ। तो क्या है ये टॉटोमेरिज्म? ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका नीट हो या जेई हो। ठीक है, जो कीटोइनल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पहले देख लेते ये टॉटोमेरिज्म भाई साहब है क्या एक्चुअली। टॉटोमेरिज्म क्या है? इट इज अ फेनोमेना इन व्हिच सिंगल कंपाउंड अच्छा एग्जिस्ट इन टू रेडिली इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर दैट डिफर इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एटलीस्ट वन आटम जनरली हाइड्रोजन। तो इनका कहने का मतलब है टू रेडिली इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर, कंपाउंड ए के लेकिन उनका एग्जिस्टेंस टू रेडिली इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो आटम जनरली वन आटम मैंने मिनिमम वन आटम का चेंजेस होगा, पोजीशन चेंजेस होगा। ठीक है, और वो आटम जनरली हमारा हाइड्रोजन भाई साहब होते हैं। ठीक है, तो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन बाय साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन आटम डबल बॉन्ड एट 1-3 पोजीशन, इसीलिए इसका नाम भी हम बोल सकते हैं 1-3 शिफ्ट। तो टॉटोमेरिज्म क्या है? मैं हूं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो मुझे पाने के लिए मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, मेरा रिक्वायरमेंट यही है एक सिंगल स्ट्रक्चर जो दोनों मतलब इंटरकन्वर्टेबल, रेडिली इंटरकन्वर्टेबल मतलब फटाक से इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, रेडिली इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, तो जनरली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आटम शिफ्ट होता है और ये 1-3 शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आटम बिटवीन टू पॉलीवेलेंट आटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। पहले हमारा हाइड्रोजन भाई साहब जेड के पास थे और जो डबल बॉन्ड था एक्स वाई के बीच में था। ठीक है, तो इसको नाम देंगे तो 1-2-3। ठीक है, 1-3 शिफ्ट मैंने बोला, ये हाइड्रो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, जो एक्स वाई बीच के जो डबल बॉन्ड था वो उठ के वाई जेड में चला गया। ठीक है, वो बोला एक्स वाई भाई साहब मुझे पसंद नहीं आया ये जगह, मैं जाता हूँ जेड के पास। ठीक है भाई, चला जा। और जो हाइड्रोजन था ये गुस्सा हो गया, तू कैसे एक्स को छोड़ के यहाँ आ सकता, मैं चला एक्स के पास। तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, मतलब क्या हो 1-3 शिफ्ट। देखो, हाइड्रोजन बोला तू कैसे कैसे नहीं डबल बॉन्ड, तू ऐसे ऐसे कैसे एक्स को मतलब एक्स को अकेला छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, नहीं मैं नहीं होने दूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं जेड तुझे छोड़ के जाता हूँ, तुझे बड़ा शौक है ना डबल वन के साथ मतलब डबल वन को आन के फाइव वन को आन के अपने पास रखने का। ठीक है, तो मैं जाता हूँ एक्स के पास। ठीक है, तो वो चला गया। ठीक है, नहीं तो बेचारा एक्स क्या है दर्द भरा शायरी सुनाता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो था हमारा रेजोनेंस सॉरी टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में कुछ सारे डबल बॉन्ड का शिफ्ट हो रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस का फील आने लगा। क्या ये रेजोनेंस भाई साहब के साथ मिलते जुलते है, ऐसा हमें फील आ रहा है, लेकिन उस फीलिंग्स को थोड़ा हम डीप में स्टडी करेंगे। क्या आपको जो फीलिंग आ रहा है वो सही है या आपका सिर्फ फीलिंग्स है? क्योंकि ये साइंस है, फीलिंग्स से नहीं चलता है, ये साइंस से चलता है, प्रूफ से चलता है। ठीक है, माना है कुछ एक्सेप्शन है, बट जैसे भी है मेरा केमिस्ट्री महान है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या है इन टॉटोमेरिज्म एन एटम चेंजेस द प्लेस। देखो देखो, रेजोनेंस में क्या था, रेजोनेंस में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का चेंज हो रहा था, एटम बोलता था भाई मैं तो अपने प्लेस पे नहीं हटूंगा, ये था कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। भाई अगर देख, यहाँ पे मेरा एक रूल है, सिर्फ बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, सिर्फ चार्ज का शिफ्टिंग होगा। ठीक है, रेजोनेंस में रेजोनेंस भाई साहब ने ये रूल दिया, कोई अगर एटम यहां से वहां उठ के गया तो मैं उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मानूंगा। अरे बाबा, इतना बड़ा बात तू कैसे बोल गया? लेकिन टॉटोमेरिज्म में क्या बोलेगा, भाई देख मैं किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, अगर किसी आटम के पास डबल बॉन्ड छोड़ के आया तो उसके पास मैं हाइड्रोजन भेज देता हूँ। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब यही है, टॉटोमेरिज्म में शिफ्टिंग ऑफ आटम होता है, लेकिन 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 रेजोनेंस में आटम का शिफ्टिंग नहीं होता है।
समझ में आ गया। ये जरूरी है मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, ये जरूरी है मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, जैसे टोटो मैरिजिम में एटम का शिफ्टिंग होते रहेगा। ठीक है, टोटोमेरिज्म टोटोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय सुइटेबल मेथड बट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी सेपरेटेड इफ दे आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ सेम कंपाउंड। देखो टोटोमेरिज्म में सिंगल कंपाउंड हो सकता है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए उनका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे हमका एक कीटो फॉर्म है, ठीक है, कीटो फॉर्म में एक आ जाएगा हमारा इनोल फॉर्म, तो दोनों का नेम भी चेंज हो रहा है, फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन क्या है स्ट्रक्चरल डिफरेंस आने के वजह से वो दोनों क्या हो गया हमारा दोनों डिफरेंट हो गया, तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एक सोचा मतलब साइंटिस्ट के द्वारा सोचा गया एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जिसका रियल एग्जिस्टेंस शायद नहीं है। ठीक है, टू टोटोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कीटो में सीओ ग्रुप, इनोल में ओएच ग्रुप, एक में अल्कोहल ग्रुप एक में कीटोन ग्रुप, ठीक है, बट देयर इज सेम फंक्शनल ग्रुप इन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये तो पता है रेजोनेंस भाई साहब का बेहतरीन सा रूल बनाए अपने लिए, ठीक है, लेकिन टोटोमेरिज्म में भी कुछ अपना रूल है जो रेजोनेंस है उससे अलग बताता है। तो यह क्या आपका जो फीलिंग्स था सर, हमें ऐसा फीलिंग्स क्यों आ रहा था जब पहले पढ़ रहे थे, टोटोमेरिज्म कुछ रेजोनेंस के साथ मिलता जुलता है लेकिन क्या है नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है, रेजोनेंस में एटम का शिफ्टिंग नहीं होता है, टोटोमेरिज्म में एटम का शिफ्टिंग होता है। टोटोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड सो वी कैन सेपरेट देम बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी कंपाउंड सो वी कैन नॉट सेपरेट देम। ओके, इन टोटोमेरिज्म देर आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट इन रेजोनेंस देर इज नो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। समझ में आएगा, चलो और भी है डिफरेंस सर? हाँ जी और भी है। अच्छा, टोटोमोर टू टोटोमोर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम बट रेजोनेंस ओनली वन, बट इन रेजोनेंस ओनली वन कंपाउंड एग्जिस्ट, ठीक है। टोटोमेरिज्म में टू कंपाउंड इंटरकन्वर्टेबल कंपाउंड, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी रहते हैं ऐसा बोल सकते हैं। रेजोनेंस इन ए मॉलिक्यूल लोयर्स द एनर्जी एंड द स्टेबिलाइज कंपाउंड एंड डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी बट नो सच इफेक्ट्स अकर इन टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म का उतना कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। इन रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि मान लो देखो ऐसा है, ठीक है, अगर यह शिफ्ट हो रहा है मतलब रेजोनेंस हो रहा है तो इसमें क्या है पार्शियल, ये जो ओरिजिनली सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था ये थोड़ा पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक, सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये भी हमारा जो पहले सिंगल बॉन्ड था लेकिन ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, और हमें पता है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मोर देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ लेस देन सिंगल बॉन्ड, तो जब दोनों का पार्शियल पार्शियल कैरेक्टर आ जाएगा तो उसका उनका बॉन्ड लेंथ में चेंजेस भी आएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। रेजोनेंस ऑफकोर्स इन प्लानर मॉलिक्यूल बट एटम्स ऑफ टोटोमर में रिमेंस इन डिफरेंट प्लेन, उसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं रेजोनेंस ऑकर इन प्लानर मॉलिक्यूल बट एटम्स ऑफ टोटोमर आर डिफरेंट फेज हो सकता है, ठीक है। तो यही था जो हमें फीलिंग्स आ रहा था पहले मतलब टोटोमरिज्म के पहले मतलब पहली नजर में जो फीलिंग्स आया था, जैसे ही हमने टोटोमरिज्म को थोड़ा डीप से स्टडी करना शुरू किया तो हमारा वो फीलिंग्स उतर गया। कभी कभी होता है ना पहला नजर का प्यार, ठीक है, पहले देख लिया पसंद आएगा झटक से, जो बात करने गया अरे क्या कर दिया मैंने, नहीं 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 यह बात नहीं बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहीं पर यहां पर भी वही बात हुआ, हमें पहले नजर में कुछ रेजोनेंस जैसा फीलिंग्स आ रहा था लेकिन जैसे डीप में स्टडी किया रेजोनेंस का रास्ता अलग टोटोमेरिज्म का रास्ता अलग, दोनों है अलग अलग। तो अब चलते टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, क्या सर टाइप्स, हाँ टाइप है, एक डायड सिस्टम है एक ट्रायड सिस्टम है। अच्छा देखते हैं फिर क्या,
डायट सिस्टम क्या है, द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम बिटवीन वन एंड टू पोजिशन हैपेंस इन डायट सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCN HNC आर टॉटोमर, कैसे देखो यहाँ पे कहा था हाइड्रोजन कार्बन के साथ चिपका हुआ था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चिपका हुआ, तो नाइट्रोजन का शिफ्ट हुआ वन टू पोजिशन में, ठीक है। तो डायट सिस्टम में हमारा वन टू शिफ्टिंग होता है, ओके। नोट इफ एनी अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन देन देयर इज नो टॉटोमेरिज्म बिकॉज द माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज नॉट इजी, HCN एंड RNC आर फंक्शनल आइसोमर एंड नॉट टॉटोमर। अच्छा क्या क्या सर, अच्छे से बताओ ना। देखो मैंने बताया HCN एंड CNH ऐसा कुछ था, ठीक है, ये दोनों टॉटोमर है, लेकिन HCN एंड RNC सर क्यों नहीं है, टॉटोमर भी हो सकते हैं राइट, लेकिन नहीं, जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरा छोटा सा है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन को हम माइग्रेशन जल्दी करा सकते हैं, लेकिन मिथाइल ग्रुप को हम माइग्रेशन नहीं करा सकते, इसीलिए जहां भी हमें अल्काइल ग्रुप देखा मतलब अल्काइल ग्रुप को हम वो माइग्रेशन नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं मेरा पोजीशन छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए RNC एंड RCN ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, लेकिन H अगर R के जगह हम H लगा देंगे वो क्या हो जाएगा, वो हमारा टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट करा जाए मतलब हाइड्रोजन उसका पोजीशन शिफ्ट कर लेगा, लेकिन ये हमारा अल्काइल ग्रुप वो थोड़ा टेढ़ा है वो नहीं जाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं यहाँ बैठ गया मतलब बैठ गया मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। देन ऑफ द ट्रायड सिस्टम द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन, डायट सिस्टम है द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन वन टू पोजिशन, ट्रायड सिस्टम है द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन वन थ्री पोजिशन हैपेंस इन ट्रायड टॉटोमेरिज्म। This type of tautomerism is very prevalent with one tautomer usually being much more stable than the other. ठीक है, जैसे हम किटोन, ये इसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। डायट सिस्टम हम इतना डिस्कशन नहीं करते, ट्रायड सिस्टम में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आ जाता है स्टेबिलिटी में, तो पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द समेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी करेक्टली प्रेडिक्ट द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ अमाइड ऑक्साइड ओवर आइसोमेरिक इमिडोल्स नाइट्रोसो कंपाउंड रेस्पेक्टिव, क्या है आगे देखेंगे, ठीक है। ये देखो अमाइड एंड इमिडोल, ये हाइड्रोजन भाई साहब था, ये यहाँ चला गया, मतलब अगर ये तीनों में यहाँ 1-3 शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये इमिडोल, ठीक है। ऑक्साइड में देखो नाइट्रोसो कंपाउंड कैसे हो गया, ये हाइड्रोजन भाई साहब आके कार्बन के साथ अटैच हो गए और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ये हो गया नाइट्रोसो कंपाउंड। देन हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में क्या हुआ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ, इस हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ आ गए, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, ये होगा आजू कंपाउंड, जैसे मैंने बताया इमिडोल नाइट्रोसो आजू कंपाउंड, ठीक है। देन और भी सिस्टम है, अमीडाइन सिस्टम, नाइट्रोसो ऑक्जिमिनो सिस्टम, देख लो सब में क्या है, यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें इस बल है NH2 से हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया, यह डबल बॉन्ड आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ हाइड्रोजन अपना पोजीशन को सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, किसी और के लिए मतलब डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो ये वही चुका ये नहीं चुका, ठीक है, ठीक है भाई साहब। सिमिलरली हर जगह वही हो रहा है, मतलब जिस पोजिशन में डबल बॉन्ड तुम उठा के ले जा रहे हो उसको क्या है, उसको मतलब सिंगल रखने के लिए हाइड्रोजन बोलता है नहीं मैं अपना पोजीशन सैक्रिफाइस कर दूंगा लेकिन उससे कभी सिंगल रहने नहीं दूंगा, ठीक है, अच्छा आदमी है ना। हाँ वो बात है, हमारा जो आज का जर्नी का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर, मान लो हम घूमने आए और घूमने का प्लेस क्या था, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म में हम डिफरेंट प्लेस घूम रहे हैं, ठीक है, एक कभी डायट सिस्टम में गए, कभी ट्रायड सिस्टम में गए, कभी उसका रेजोनेंस के साथ क्या डिफरेंस है, ये सारे प्लेस हमने घूम के आ गए। अब सबसे मजेदार एंड इंपोर्टेंट प्लेस होता है ना, जब मान लो तुम कहीं इंडिया में कई जगह घूमने गए, मान लो साउथ में कई जगह घूमने गए, उसमें कुछ प्लेस ऐसे होता है जैसे कोडाईकनाल होता है, ठीक है, रामेश्वरम हो गया, कन्याकुमारी हो गया, ये सारे अच्छा अच्छा प्लेस है, इंपोर्टेंट प्लेस है, मतलब देखने लायक, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला प्लेस है। वहीं पांडिचेरी हो गया, ये थोड़ा पांडिचेरी मदुराई, ठीक है, ये थोड़ा छोटे मोटे प्लेस है,
ठीक है। सिमिलरली है टॉटोमेरिजी में वो डायर सिस्टम एंड ट्रायर सिस्टम थोड़ा छोटा छोटा था ऐसे, ठीक है। और वो आ गया उसका आज का जर्नी का सबसे क्या है, सबसे जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं। तो आज का ये जर्नी सफर का, शानदार सफर का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किटो इनोल टोटोमेरिजिम। अरे सर ये किटो इनोल, फिर किटो इनोल टोटोमेरिजिम क्या है, क्या है उसको देखते। इट इज वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ ट्राइड टोटोमेरिजिम बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एंड इट्स इनोल फॉर्म। तो किटो इनोल टोटोमेरिजिम जनरली हमारा कार्बोनिल कंपाउंड में देखा जाता है, एक किटो फॉर्म होता है, एक इनोल फॉर्म होता है। इनोल फॉर्म मतलब, किटो फॉर्म मतलब आप समझ गए सी डबल बॉन्ड हुआ, इनोल फॉर्म मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से आया इन एंड अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल का ओ एच, तो हो गया हमारा इनोल, डबल बॉन्ड एंड ओ एच, ठीक है। ये होगा होगा इनोल फॉर्म एंड ये होगा किटो फॉर्म। तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आत्मा भी आ जाएगा जमीन पर, ये आत्मा भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादा में जीत की गूंज चाहिए। जैसे किटो इनोल टोटोमेरिजिन के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। क्या है, क्या है सर, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आत्मा भी आएगा, ये आत्मा भी आएगा जमीन पर, बस इरादा में जीत की गूंज होनी चाहिए। जैसे किटो इनोल टोटोमेरिजिम के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। देखो इसको थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं, हो गया मोटिवेशन के साथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विथ मोटिवेशन। देखो यहां पर क्या था, ये भाई साहब है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, राइट, ठीक है, ये भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन, तो इसके पास तो तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे हो गया, मतलब ये डबल बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया। देखो ये था हमारा किटो फॉर्म सीओ ग्रुप, ठीक है, हाँ जी सर। ये देखो ये डबल बॉन्ड, तो इसके लिए ई एन, इसके लिए ओ एन, हो गया इनोल फॉर्म, ये किटो फॉर्म हो गया, ये इनोल फॉर्म हो गया, किटो इनोल टोटोमेरिजिम, ठीक है। बस इरादों में जीत का गूंज होनी चाहिए, जैसे किटो इनोल टोटोमेरिजिम के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कंडीशन फॉर किटो इनोल टोटोमेरिजिम क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन टू एग्जिबिट किटो इनोल टोटोमेरिजिम इट इज एसेंशियल दैट इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जो कि मैंने बता के आया। फॉर एग्जाम्पल एसिटोफिनोन, ब्यूटन टू ओ एन ई, प्रोपियोनल डिहाइड ऑल कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, हेंस सो किटो इनोल टोटोमेरिजिम। क्या है, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, जैसे किटो इनोल टोटोमेरिजिम के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आत्मा भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, जैसे किटो इनोल टोटोमेरिजिम के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। देखो एसिटोफिनोन हे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन सर हे, देन था ब्यूटन टू ओ एन ई, ब्यूटन टू ओ एन ई यहां पर है अल्फा हाइड्रोजन, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ठीक है, इसके पास तो टू अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ जी सर अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर काम हो गया। बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन डू नॉट सो डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, सो दे डू नॉट से, सॉरी टू से बेंजाल्डिहाइड भाई साहब, देखो ये है हमारा बेंजाल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजाल्डिहाइड भाई साहब एंड बेंजोफिनोन भाई साहब, सॉरी टू से यू डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, सो यू कैंट सो किटो इनोल टोटोमेरिजिम। टोटोमेरिजिम ऑकर्स बोथ इन बेसिक एंड एसिडिक मीडियम, ठीक है।
दोनों एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, मतलब बोथ बेसिडिक बेसिक एंड एसिडिक मीडियम में ये एग्जिस्ट कर सकता है, ना कि ना सिर्फ एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा ना सिर्फ बेसिक मीडियम, ये दोनों में कर सकता है, ठीक है, वो एसिड बेस पे इतना अंतर नहीं करता है भाई, दोनों तुम भाई भाई हो, मैं दोनों में एग्जिस्ट कर लूंगा, ठीक है भाई।